हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी पढ़ा और हमें ये पता चला कि बहुत ज़्यादा अगर आपके डेटा सेट में फीचर्स हैं तो वो आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर आप कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ एनी फॉर्म ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। और हमने दो इंपॉर्टेंट डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स देखे, फीचर सेलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। हम पहले फीचर एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में मेरा प्लान है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो इस वीडियो में एंड टू एंड कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीए इज इट्स एन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेटा में सिर्फ इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता। तो दिस इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। सेकेंड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टेक्निक, मतलब बहुत पुराना टेक्निक है। मेरे को लगता है पहला पेपर 1950s के पहले आ चुका था और बहुत सालों से यूज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल, बहुत ही ओल्ड, बहुत ही रिलायबल टेक्निक है। बट इसका जो अंडरलाइंग मैथ्स है दैट इज टू कॉम्प्लेक्स, मतलब काफी डिफिकल्ट है। तो इस वीडियो में, ऑल्दो मैं आपको एंड टू एंड पीसीए पढ़ाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि अगर मैं वो करने जाऊंगा तो दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग, ठीक है। तो मेरा एंड गोल ये है कि जितना भी बड़ा ये वीडियो है इसको पढ़ करके आपको पूरा कोर इंट्यूशन समझ में आ जाए इस एल्गोरिदम का, और आप इसको यूज करना सीख जाओ यूजिंग साइकिट लर्न, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ। सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कि ये एक फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, और इसका मेन जो गोल होता है वो होता है कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करना। मतलब अगर आपके डेटा में बहुत सारे फीचर्स हैं तो जब आप पीसीए अप्लाई करते हो तो आपके फीचर्स रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट, आपका मशीन लर्निंग मॉडल बेटर परफॉर्म करने लगता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें इस पूरे वीडियो में पहले तो समझना है कि पीसीए कैसे काम करता है, और फिर उसको हम एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। ओके, सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, मतलब पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि पीसीए कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत लोग पीसीए पढ़ लेते हैं, साइकिटलर्न में यूज कर लेते हैं, बट उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि पीसीए एग्जैक्टली कर क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया एनोलॉजी है ये समझाने के लिए कि कैसे पीसीए काम करता है। सो ये फोटो देखो आप। इस फोटो में यू कैन सी देयर इज अ फोटोग्राफर जो एक सॉकर मैच का फोटो ले रहा है। सो अब ये जो सॉकर मैच हो रहा है ये एक्चुअली एक 3D एनवायरनमेंट में हो रहा है, किसी स्टेडियम में, राइट। और इस फोटोग्राफर को फोटो इसलिए लेना है क्योंकि ये किसी न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करेगा, राइट। नाउ एज यू ऑलरेडी नो, फोटोज जो होते हैं वो 2D होते हैं, राइट। फोटोज 2D होते हैं, और जो मैच हो रहा है वो एक 3D स्टेडियम में हो रहा है। अब इस फोटोग्राफर का काम क्या है कि ये मैच जो हो रहा है उसको अपने न्यूज़पेपर में दिखाना चाहता है, राइट। तो इन अ वे व्हाट ही वांट्स इज ये एक 3D मोमेंट को 2D में कैप्चर करना चाहता है, राइट। और पीसीए एग्जैक्टली यही करता है। पीसीए एक हायर डायमेंशन डेटा सेट को लोअर डायमेंशन में लाने का ट्राई करता है, राइट। और उसमें भी खास बात क्या है कि पीसीए बेस्ट पॉसिबल लोअर डायमेंशन लेके चलता है, सो दैट आप उस डेटा का जो एसेंस है हायर डायमेंशन में वो कैप्चर कर पाओ। मतलब ये फोटोग्राफर पूरे टाइम, अगर आप नोटिस करो, मैच के दौरान पूरे पेरिफेरी पे घूमता रहता है सो दैट ये बेस्ट फोटो कैप्चर कर पाए। सो अगर एक पर्टिकुलर एंगल से सारे प्लेयर्स बहुत क्लोज हैं तो ऑब्वियसली उस एंगल से जो फोटो आएगा उसमें प्लेयर्स नहीं दिखाई देंगे। तो आप घूम करके दूसरी जगह पे जाओगे जहां पे आपको प्लेयर्स ज्यादा स्प्रेड आउट दिखाई दे, सो दैट आपके फोटो में उस डेटा का क्लैरिटी या फिर उस फोटोग्राफ का एसेंस सही से आ पाए। तो इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं इस एनालॉजी से कनेक्ट करके, पीसीए इज अ टेक्निक विच कैन ट्रांसफॉर्म अ हायर डायमेंशनल डेटा टू अ लोअर डायमेंशनल डेटा वाइल कीपिंग द एसेंस ऑफ द डेटा। मतलब डेटा में अगर जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को आप बचा करके लोअर डायमेंशन में ले आते हो, सो दैट जब लोअर डायमेंशन में भी आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उसके ऊपर काम करेगा रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे।
That is the whole idea behind PCA. So guys, now that we understand कि PCA का core idea क्या है, एक चीज और इस point पे हमें discuss करना चाहिए कि PCA exactly किस reason से use होता है किसी भी machine learning project में. There are two primary reasons. Okay. So benefits of using PCA, अगर लिखना चाहो, तो there are two core benefits. The first one is कि PCA करता क्या है. PCA आपके हायर डायमेंशनल डेटा सेट को लोअर डायमेंशन में लेके आता है. सो मतलब आपका जो ट्रेनिंग डेटा है जिसके ऊपर आप एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हो और फिर जिसके ऊपर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, उसका साइज कम हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. सो अगर पहले 10 कॉलम्स थे तो हो सकता है 5 कॉलम्स हो या 3 कॉलम्स हो. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो एल्गोरिदम है इट विल रन फास्टर ऑन द डेटा बिकॉज आपका डेटा छोटा हो गया, राइट? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं faster execution of algorithms. ठीक है, मतलब algorithms will run faster. ठीक है, और आपका computation जो है वो बच जाता है. ठीक है, this is the main benefit. और obviously आपका performance वैसा ही रहता है जैसा आपका normal data set के ऊपर रहेगा. ठीक है, the second core benefit is visualization. So हम human beings max to max 3D में देख सकते हैं. 2D में ग्राफ्स हम बहुत प्लॉट करते हैं, 3D में कभी कभी प्लॉट करते हैं, बट 3D के ऊपर हम नहीं देख सकते. बट वॉट इफ मेरे पास एक ऐसा मशीन लर्निंग डेटा है जिसमें 10 कॉलम्स हैं, मैं कभी भी इस डेटा को प्लॉट करके विजुलाइज नहीं कर सकता बिकॉज आई कैन नॉट सी बियॉन्ड 3D. PCA मुझे क्या करेगा, PCA मुझे हेल्प करता है इस 10D डेटा को 3D में रिड्यूस करने में या फिर 2D में रिड्यूस करने में. एंड वंस आपने 10D को 3D में रिड्यूस कर लिया, अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप 2D में कन्वर्ट कर लो तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, तो द सेकेंड बेनिफिट है जिसके लिए लोग PCA बहुत यूज करते हैं, दैट इज विजुअलाइजेशन. हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम MNIST डेटा सेट जो है जिसमें 784 कॉलम्स है, हम उसको 3D में लाके विजुअलाइज करेंगे. ठीक है, तो दीज आर द टू कोर बेनिफिट्स और इसी के लिए सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग में PCA को यूज किया जाता है. एंड नाउ दैट वी नो कि PCA क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, लेट्स नाउ डाइव इनटू द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन बिहाइंड दिस एल्गोरिथम. सो गाइस, नाउ आई हैव अ डेटा सेट ऑन माय स्क्रीन. बहुत ही सिंपल हाउसेस के बारे में डेटा है और थोड़ा वियर्ड डेटा लगेगा आपको क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स हैं और पहला जो कॉलम है वो बता रहा है कि आप जिस घर के बारे में बात कर रहे हो उसमें कितने रूम्स हैं. सेकंड बता रहा है कि इस घर के आसपास कितने ग्रोसरी शॉप्स हैं और थर्ड बता रहा है कि उस घर का प्राइस क्या है, राइट? अब नंबर ऑफ रूम्स ठीक है, मतलब कभी भी आप किसी घर का प्राइस पता करने जाओगे तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि रूम्स कितने हैं, कितना BHK है. बट नंबर ऑफ ग्रोसरी शॉप्स आसपास कितने हैं, ये बहुत ही वीक सा पैरामीटर है. मतलब यू विल बी लाइक, मतलब क्या फर्क पड़ता है कितने ग्रोसरी शॉप्स हैं आसपास, राइट? मतलब पढ़ भी सकता है बट इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग पैरामीटर एज रूम्स. ठीक है, तो मैंने जानबूझ के लिया इसको बिकॉज मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ. सो मैं आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देना चाहता हूँ PCA का, विच इज अ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक. बट उसके पहले मैं आपको फीचर सिलेक्शन का एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि फीचर सिलेक्शन कैसे काम करता है. हमने पढ़ा था कि कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करने के लिए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं और दो सबसे फेमस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स आर फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन. एंड फीचर एक्सट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम इज PCA. बट PCA समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फीचर सिलेक्शन के बारे में. तो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि फीचर सिलेक्शन कैसे काम करता है. अब फीचर सिलेक्शन का फंडा बहुत सिंपल है. फीचर सिलेक्शन का मतलब है अगर आपके पास 5 कॉलम्स हैं तो आप उसमें से कोई 2 कॉलम्स या फिर कोई 3 कॉलम्स रखोगे, बाकी कॉलम्स को हटा दोगे. बेसिकली आप अपने फीचर्स को सेलेक्ट करोगे, रिड्यूस करोगे और उन फीचर्स को रखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आउटपुट प्रिडिक्ट करने में. सो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे 2 इनपुट कॉलम्स हैं, सो वी हैव गॉट रूम्स एंड वी हैव गॉट दिस ग्रोसरी शॉप वाला कॉलम, और आपको किसी एक कॉलम को हटाना है, तो आप किसको हटाओगे? आई गेस अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा रियल एस्टेट के बारे में तो आप बहुत इजीली और बहुत स्ट्रांगली ये बोल दोगे
कि बॉस आई वुड लाइक टू कीप रूम्स वाला कॉलम एंड आई वुड रिमूव दिस ग्रोसरी वाला कॉलम, क्योंकि रूम्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा आपका प्राइस. सो अगर मुझे दोनों में से किसी एक को रखना है इट विल बी रूम्स. ठीक है, अब मैं आपको ये चीज मैथमेटिकली समझाता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया. मतलब ये तो चलो डेटा सेट सिंपल था, ये डेटा सेट सिंपल था क्योंकि आपको देख के समझ में आ रहा था कि घर का प्राइस नंबर ऑफ रूम्स पर डिपेंड करेगा. बट एज मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, एज डेटा साइंटिस्ट, आप खुद को ऐसे सिनेरियोज में पाओगे जहां पर आप बहुत अलग अलग टाइप के डेटा सेट पे काम करोगे और कई बार आपको उस डेटा सेट के बारे में डोमेन नॉलेज नहीं होगा. तो उस टाइम पे अगर आपको कोई बोले कि आपके पास n फीचर्स हैं, n कॉलम्स हैं, उनमें से कुछ कॉलम्स हटाओ और सबसे इंपॉर्टेंट वाले कॉलम्स रखो, तो आप ये काम कैसे करोगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. क्योंकि वहां पर आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कॉलम ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलम बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट मी शो यू अ मैथमेटिकल ट्रिक कि ये कैसे डिसाइड होता है. ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इसी डेटा को प्लॉट कर रहा हूं ऑन अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहां पे आपका एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ रूम्स और आपका जो वाई एक्सिस है यहां पे है ग्रोसरी शॉप्स. ठीक है, और जब मैंने इसी डेटा को प्लॉट किया तो आई रियलाइज्ड कि मेरा डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मतलब इसका यह है कि रूम्स बहुत वैरी कर रहे हैं बट नंबर ऑफ ग्रोसरी शॉप्स उतने वैरी नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है रूम्स और ग्रोसरी शॉप्स के बीच में. अब अगर आपको कभी ऐसा कोई डेटा दिखाई दे या ऐसा कोई स्कैटर प्लॉट दिखाई दे और आपको इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो यू वुड सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉलम. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये देखोगे कि आपके डेटा का स्प्रेड दोनों एक्सिस में ज्यादा किसके ऊपर है. सो मैं क्या करूंगा, इन सारे पॉइंट्स को दोनों एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूंगा. मतलब इन सारे पॉइंट्स को मैं एक्स एक्सिस पे गिरा दूंगा, जैसे मैं अभी गिरा रहा हूं. तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को गिराऊं एक्स एक्सिस पे तो यू वुड सी जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहां पे आएगा और जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो यहां पे आएगा. सो इसका मतलब ये है कि इस पूरे डेटा का जो शैडो है, जो परछाई है एक्स एक्सिस पे, वो इतना बड़ा है. दिस मच, लेट्स कॉल इट डी. ठीक है, और ये सेम काम जब मैं वाई एक्सिस पे कर रहा हूं तो यू वुड सी कि ये सबसे पहला पॉइंट है और ये शायद सबसे लास्ट पॉइंट है. तो इस एक्सिस पे जो आपका डेटा का स्प्रेड है जब आपने प्रोजेक्ट किया वाई एक्सिस पे, जो परछाई है उसका जो लेंथ है, लेट्स कॉल इट डी डैश. तो यू कैन क्लियरली सी डी इज ग्रेटर देन डी डैश. तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये चीज देख करके बोलोगे कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एक्स एक्सिस एज इन रूम्स. वाई? बिकॉज आपका जो डेटा का स्प्रेड था ऑन वाई एक्सिस वो एक्स एक्सिस के कंपेरिजन में कम था और आप हमेशा उस फीचर को पिक करोगे जिसके ऊपर आपके डेटा का स्प्रेड ज्यादा होता है. या एक्चुअली इसको वेरियंस से आप कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपने वेरियंस पढ़ा है तो जिस एक्सिस पे वेरियंस ज्यादा होगा आप उस एक्सिस को सेलेक्ट करते हो. अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, इनफैक्ट मैं नेक्स्ट यही डिस्कस करने वाला हूं कि हम वेरियंस के पीछे क्यों पड़ रहे हैं. बट इस पॉइंट पे अगर आपको एक ट्रिक समझना है कि ये पूरी चीज कैसे काम करती है तो दिस इज द ट्रिक. इफ यू आर वर्किंग विद अ डेटा जहां पे आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक कॉलम ज्यादा अच्छा है कि दूसरा कॉलम ज्यादा अच्छा है, आप उसको प्लॉट करो और डेटा का प्रोजेक्शन निकालो हर कॉलम के ऊपर. जिस कॉलम के ऊपर आपका स्प्रेड एज इन वेरियंस सबसे ज्यादा आएगा आप वही कॉलम को सेलेक्ट करोगे, वही कॉलम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है. एंड दैट इज हाउ फीचर सिलेक्शन वर्क्स. फीचर सिलेक्शन नटशेल में ऐसा ही काम करता है. अब मैंने फीचर सिलेक्शन आपको जानबूझ के समझाया क्योंकि मैं फीचर एक्सट्रैक्शन समझाना चाहता था और फीचर एक्सट्रैक्शन समझने के लिए आपको ये की एस्पेक्ट समझना पड़ेगा. सो अब लेट्स से कि डेटा में थोड़ा चेंजेस आ गए. अब हम फीचर एक्सट्रैक्शन समझने जा रहे हैं. तो लेट्स से आपके डेटा में थोड़े चेंजेस आ गए और आपके डेटा में चेंजेस ऐसे आए कि अब आपके पास डेटा है नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ वॉशरूम्स
एंड आपके फ्लैट का प्राइस क्या है, ठीक है। बस मैंने ये सेकंड वाला कॉलम चेंज कर दिया, ग्रोसरी शॉप्स को हटा करके वॉशरूम्स रख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉस तुमको एक कॉलम रखना है एक कॉलम हटाना है, तो अब आप क्या करोगे? अब सोच के अगर आप देखो तो एक फ्लैट का प्राइस दोनों चीजों से गवर्न होता है कि कितने वॉशरूम्स हैं और कितने रूम्स हैं। यहां पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बॉस रूम्स आर मच इंपॉर्टेंट देन वॉशरूम्स, ऐसा नहीं है। वॉशरूम्स के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। सो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, यहां पर फीचर सिलेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और ये मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूँ। लेट्स से आपने इस ग्राफ को फिर से प्लॉट किया, इस डेटा को आपने फिर से प्लॉट किया, और आपके एक्स एक्सिस पे था रूम्स और आपके वाई एक्सिस पे था वॉशरूम्स। और इस बार जब आपने डेटा प्लॉट किया तो वो डेटा ऐसा था, इस तरीके का, मतलब कि आपके रूम्स और वॉशरूम्स में एक सॉर्ट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप था। मतलब जैसे जैसे आपका रूम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वॉशरूम भी बढ़ रहा है, जो कि ऐसा होता भी है, ठीक है। अब अगर आप ये वाला टेक्निक यूज करो प्रोजेक्शन करने वाला, तो यू वुड सी कि अगर आप एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन करो सारे पॉइंट्स का, तो आपका डेटा का जो स्प्रेड है ऑन दिस एक्सिस वो ये है, लेट्स कॉल इट डी, और आपके डेटा का जो स्प्रेड है वाई एक्सिस पे दैट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज डी डैश। और अब आप देख सकते हो कि डी इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू डी डैश। तो अब आप मैथमेटिकली भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको सेलेक्ट करें किसको हटाएं। तो यही परेशानी है फीचर सिलेक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि फीचर सिलेक्शन काम कैसे करता है, और फिर हमने समझा कि उसमें परेशानी क्या है। अगर आपके पास एक ऐसे सेट ऑफ कॉलम्स आ जाएं जिनके ऊपर वेरियंस बराबर है, तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसको रखना है किसको हटाना है। और इस केस में फिर आपको हेल्प करने आ जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन, जो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी फीचर एक्सट्रैक्शन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। फीचर सिलेक्शन तो नहीं कर पा रहे, हमारे कॉलम्स जितने हैं उतने ही रह रहे हैं, उससे कम हम नहीं कर पा रहे। लेट्स सी फीचर एक्सट्रैक्शन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। और ये चीज मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। पहले मैं आपको एक सिंपल आइडिया दूंगा और फिर मैं आपको फीचर एक्सट्रैक्शन का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन दूंगा, ठीक है। सो देखो, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो डाउन और एक बार मैं फिर से थोड़ा क्लियर स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम को फिर से स्टेट करता हूँ। हमारे पास जो डेटा है उसमें रूम्स है और उसमें वॉशरूम्स है और हमारे पास प्राइस है। हमारा काम क्या है कि हमें इन दो इनपुट कॉलम में से एक कॉलम को हटाना है। अब देखो, अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से पूछो जिसको थोड़ा भी आइडिया है रियल एस्टेट के बारे में कि एक कॉलम को हटाओ बताओ कौन सा कॉलम कम इंपॉर्टेंट है, तो शायद वो नहीं बता पाए। बट लेट्स से आप किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाते हो और उसको अपना प्रॉब्लम बताते हो कि देखो भाई मेरे पास ये दो कॉलम्स हैं और आपके पास डोमेन नॉलेज है, कैन यू हेल्प मी एक कॉलम को एलिमिनेट करने में? तो वो भी सोचेगा और बोलेगा कि यार देखो ये दोनों कॉलम्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस डेटा को नए तरीके से गैदर करो और इस बार तुम गैदर करो सिर्फ एक इनपुट कॉलम जिसका नाम होगा साइज ऑफ द फ्लैट और एक आउटपुट कॉलम प्राइस ऑफ द फ्लैट। इन शॉर्ट उस बंदे का सजेशन ये है कि वो आपको रूम और वॉशरूम अलग अलग पता करने के बदले वो आपको सिर्फ एक चीज पता करने को बोल रहा है कि आपके फ्लैट का साइज क्या है। क्योंकि अगर आप सोचो तो जितने ज्यादा रूम्स होंगे और जितने ज्यादा वॉशरूम्स होंगे आपके फ्लैट का साइज उतना ही बड़ा होगा। तो इन शॉर्ट उसने ये बोला कि हम इन दो कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को नहीं हटा सकते बिकॉज दोनों बराबर लग रहे हैं, बट हम ये कर सकते हैं कि हम एक कंप्लीटली नया सिंगल कॉलम बना दें जो इन दोनों के बारे में कुछ बता रहा हो। क्योंकि साइज आपको रूम्स के बारे में भी बताएगा, साइज आपको वॉशरूम्स के बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया, आपने अपना इनपुट कॉलम्स को कंप्लीटली चेंज करके एक कंप्लीटली नया कॉलम बना लिया, ठीक है, विच इज साइज कॉलम। और अब आपके पास जो डेटा है वो 1D डेटा है, यहाँ पे 2D डेटा था, एंड लेट्स होप कि 1D में भी हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जो रिजल्ट है वो उतना ही बढ़िया है। सो इन शॉर्ट दिस इज वॉट PCA डज।
पीसीए आपके एग्जिस्टिंग फीचर्स को भूल जाता है और उन एग्जिस्टिंग फीचर्स में से नए सेट ऑफ फीचर्स बनाता है और उन नए सेट ऑफ फीचर्स में से एक सबसेट चूज करता है जो उसको लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज वॉट पीसीए डज. नटशेल में यही है पीसीए. बट अब आप बोलोगे कि यार ये तो ठीक है, यहाँ पे तो अपने पास वो रियल एस्टेट ब्रोकर था, उसने कर दिया. बट एज अ डेटा साइंटिस्ट अगेन, अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटा आता है जिसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं है, तो वहां पे मैं ये टेक्निक कैसे लगाऊंगा? तो दैट इज वाई नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मैथमेटिकल इंट्यूशन, द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन की पीसीए कैसे परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो फॉर दैट आई विल हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ वन लास्ट टाइम. सो सेम ग्राफ. सो दिस इज रूम्स एंड दिस इज वॉशरूम्स एंड द ग्राफ इज सॉर्ट ऑफ लीनियर. ठीक है, कि हमारा ग्राफ है. अब सवाल यह है कि रूम और वॉशरूम से मुझे एक सिंगल कॉलम क्रिएट करना है. ठीक है, अब फीचर सिलेक्शन वाला टेक्निक फेल कर गया था क्योंकि वेरियंस दोनों एक्सिस पे बराबर आ रहा था, तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ. तो यहां पे पीसीए क्या करेगा गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. पीसीए क्या करेगा, पीसीए एक नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड करेगा. जैसे अभी ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है. पीसीए क्या करेगा, पीसीए आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे रोटेट करेगा कि एक नया सेट ऑफ एक्सिस फॉर्म हो जाए. लाइक वो इस एक्सिस को यहां लेके जाएगा, तो आपके पास ये एक एक्सिस आ गया और ये जो एक्सिस है इसको यहां रोटेट होने से वो एक्सिस यहां आ गया. सो यू कैन कॉल दिस एक्सिस एज रूम डैश एक्सिस. अब ये रूम एक्सिस नहीं है, ये रूम डैश एक्सिस है और ये आपका वॉशरूम डैश एक्सिस है, राइट. अब अगर आप नोटिस करो, अगर आप पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम को भूल जाओ और इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो, तो इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर आपका प्रोजेक्शन या आप बोलो वेरियंस जो है वो ये है डी, और इस एक्सिस पे आपका जो वेरियंस है वो है ये दिस मच. दिस इज डी डैश एंड यू कैन क्लियरली सी डी इज ग्रेटर देन डी डैश. तो अब आप बोलोगे कि बॉस जब मैंने एक्सिस को शिफ्ट किया तो रूम डैश जो मेरा एक्सिस है उस फीचर को मैं रखूंगा, वॉशरूम डैश को हटा दूंगा. और बाय द वे जब आपने शिफ्ट किया पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ये जो रूम डैश और वॉशरूम डैश जो आपको नए एक्सिस मिले, इनको ही आप बोलते हो प्रिंसिपल कंपोनेंट वन एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट टू. ठीक है, तो आपने जैसे एक्सिस शिफ्ट मारा तो आपको उतने ही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिलते हैं जितने कॉलम्स आपके ओरिजिनल डेटा में थे. सो अगर आपके ओरिजिनल डेटा में दो कॉलम्स थे तो ये शिफ्ट करने के बाद आपको दो ही प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिलेंगे. ठीक है, और फिर आप इन दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में से प्रिंसिपल कंपोनेंट वन को चूज कर रहे हो बिकॉज जो वेरियंस है आपके डेटा का वो प्रिंसिपल कंपोनेंट वन पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रिंसिपल कंपोनेंट टू. तो अब आप क्या करोगे, अपने इस पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंपोनेंट वन. कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट दैट इज द कोर आइडिया. ठीक है, हमेशा याद रखना गाइस, नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो होते हैं इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स इन योर डेटा. ठीक है, सो या दैट्स इट. मतलब दिस इज द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन. आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब ये 2D में मैं आपको दिखा रहा हूं बट ये सेम काम 3D में भी होगा, 4D में भी होगा, ND में भी होगा. आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने एक्सिस का कि आप मतलब इस तरीके से कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करके डेटा में मैक्सिमम वेरिएंस क्रिएट करना है आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट पे. दैट इज हाउ यू डू इट. कैसे किया जाता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन बिहाइंड दिस एल्गोरिथम. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया. अब जो नेक्स्ट काम हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि वेरियंस या फिर डेटा का जो स्प्रेड का हम बात कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है. ये क्वेश्चन हम लोग आंसर करेंगे. ये क्वेश्चन जब आप समझ जाओगे तो आप एक्चुअली इस फैक्ट को रिस्पेक्ट करने लगोगे कि हाँ
वेरियंस निकालना इंपॉर्टेंट है, ये स्प्रेड चेक करना इंपॉर्टेंट है. दैट इज वॉट विल डू नेक्स्ट. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग की वेरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार हम वेरियंस का रिविजन कर लेते हैं. इट्स अ वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स, बट बहुत लोगों को इसका इंट्यूशन नहीं रहता है कि एग्जैक्टली वेरियंस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हम डिस्कशन करते हैं अभी. ठीक है, सो सी, वेरियंस इज बेसिकली अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसको यूज करके आप डेटा के बारे में कुछ बता पाते हो. और स्पेसिफिकली आप क्या बताते हो, डेटा का स्प्रेड कितना है. आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट मीन. सो अगर आप मीन का बात करो तो मीन इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल मेजर. मान लो हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट. मतलब ये 5 पर है, मतलब x पे 5 पे है, ये 0 पे है, ये -5 पे है. तो इसका मीन कितना होगा, -5 प्लस 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3. तो इस डेटा सेट का मीन वुड बी इक्वल टू 0, राइट. अब मान लो कि हमारे पास ये डेटा है, सो आई हैव दिस, सो दिस इज -10, दिस इज स्टिल 0 एंड दिस इज 10. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब मीन क्या होगा, तो अभी भी मीन होगा -10 प्लस 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 स्टिल 0. मतलब ये डेटा और ये डेटा के बीच में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते या बता सकते हो यूजिंग मीन. मीन का काम ये है ही नहीं. मीन का काम है सेंट्रल टेंडेंसी बताना या फिर बताना सेंटर कहां पर है. इन दोनों डेटा सेट्स के बीच में अगर आपको डिफरेंस बताना है तो एक बहुत अच्छा मेजर होगा वेरियंस. वेरियंस क्या होता है, वेरियंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा वन आई इज इक्वल टू 1 से n, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n. ठीक है, मतलब आप हर पॉइंट मीन से कितना दूर है ये निकालते हो, उसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करते हो और ऐड कर देते हो. ठीक है, मतलब पहले वाले केस में आपका वेरियंस वुड बी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, सो बेसिकली 50 बाय 3. और सेकेंड केस में आपका हो जाएगा -10 का स्क्वायर 100 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 3. सो यू कैन क्लियरली सी इसका वेरियंस, सेकेंड वाले का वेरियंस इज 4 टाइम्स फर्स्ट वाले का वेरियंस. तो आप इन दोनों डेटा सेट्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो और डिफरेंस है भी, इन दोनों डेटा सेट्स के स्प्रेड में डिफरेंस है. माइंड यू, स्प्रेड एग्जैक्टली वेरियंस नहीं होता. ये बात हमको हमेशा याद रखनी होगी कि स्प्रेड वेरियंस नहीं होता, स्प्रेड के प्रोपोर्शनल होता है वेरियंस. ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, वो एटलीस्ट सेम टर्म्स में होता है. बट यहां पर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो स्प्रेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेरियंस के. मतलब अगर इसका स्प्रेड ज्यादा है सेकेंड वाले का, तो इसका वेरियंस भी ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से. ये बात आपको हमेशा याद रखनी है. तो दिस इज वेरियंस. वेरियंस इज प्रोपोर्शनल टू स्प्रेड, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्प्रेड. ठीक है, तो आप बोलोगे कि फिर स्प्रेड को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि स्प्रेड को अगर आप लो, लेट्स से एक क्वांटिटी होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जहां पे आप मीडियन वैल्यू लेते, मतलब मॉड्यूलस ले लेते हो इस डिस्टेंस का और उसको 3 से डिवाइड कर देते हो. तो इसको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि यहां पे आप एब्सोल्यूट एज इन मॉड ले रहे हो और मॉड एज अ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे. तो आगे जब आपको ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स लगाने होंगे पीसीए में, तो आप नहीं लगा पाओगे, बिकॉज जो आपका मॉड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. वेयर एज जो आपका स्क्वायर फंक्शन होता है वो बहुत मस्त डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए लोग वेरियंस को प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पीसीए में मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्यों नहीं यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ वेरियंस, क्योंकि वो भी सेम चीज रिप्रेजेंट करता है कि स्प्रेड कितना है, तो यू वुड से बिकॉज आपका जो मॉड फंक्शन है दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. तो हम जब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम करके सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के लिए, आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, एनीवेज ये थोड़ा आगे की बात कर दी मैंने. कमिंग बैक, अगर आप एक 2-dimensional डेटा लो, तो वहां पे मान लो आपके पास ये 2D डेटा है
and the data looks like this. तो in loose terms आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको इस डेटा का वेरियंस निकालना है x एक्सिस पे, तो आप क्या करते हो, इन सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर देते हो इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, लाइक दिस. सारे पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर दिया, ये सारे पॉइंट्स यहां पे आके गिर गए, ठीक है. और फिर आप इसका वेरियंस कैलकुलेट कर दो, तो वो रफली आपको आपका स्प्रेड बता देगा. हम यही बात तब से कर रहे हैं, ठीक है. तो नाउ दैट वी नो कि स्प्रेड क्या होता है, वेरियंस उससे कैसे रिलेटेड है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों वेरियंस इतना इंपॉर्टेंट है पीसीए के लिए. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियंस का क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है. सो इस डायग्राम में यू कैन सी हमारे एक्स और वाई एक्सिस पे डेटा कैसे स्प्रेड आउट है, हमने ये ड्रॉ करके रखा है. दिस इज द स्कैटर प्लॉट, ओके. अब देखो कि क्यों वेरियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स से ये पॉइंट्स ग्रीन और रेड कलर के हैं, बट फिलहाल मैंने सिर्फ दो ही पॉइंट्स को ग्रीन और रेड कलर दिया, और मेरे मशीन लर्निंग मॉडल का काम है इन ग्रीन और रेड पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना, ठीक है. अब अगर पीसीए करके हम इसको वन डायमेंशन में लेके आते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखो. सो अगर आप इस एक्सिस पे बात करो, एक्स एक्सिस पे, अगर आप एक्स एक्सिस पे इन सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन लो, इन सारे पॉइंट्स का अगर आप प्रोजेक्शन लो, तो दिस इज द स्प्रेड, और ये रेड वाला पॉइंट का प्रोजेक्शन विल कम ओवर हियर, राइट, और इस ग्रीन वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन विल कम हियर, राइट. अब एक्चुअल जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन अ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इतना है, दिस मच, राइट. और जब हमने उसको प्रोजेक्ट किया 1D में, तो इस एक्सिस पे फिर भी कंपेरेबल है, राइट. बट अगर हम इसको दूसरे एक्सिस पे प्रोजेक्ट करें, तो ये रहा मेरा रेड पॉइंट इस जगह पे, ठीक है, और ये है मेरा ग्रीन पॉइंट इस जगह पे, और ये रहा उनके बीच का डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस. सो यू कैन सी अगर हमने वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया होता हमारे डेटा को, 2D से 1D में अगर हम लेके गए होते वाई एक्सिस पे, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो खो चुका होता. सो अगर आप कोई डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम के ऊपर काम करते, जैसे कि के नियरेस्ट नेबर, वो कभी भी नहीं समझ पाता कि इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, क्योंकि उसको बस बहुत कम डिस्टेंस दिख रहा है. Whereas जब आप उसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो फिर भी कंपेरेबल डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है. सो दैट इज वाई वेरियंस इज इंपॉर्टेंट. जब आप हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में लेके आते हो, तो डेटा पॉइंट्स का जो आपस में जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ ना हो, ये मेंटेन करने के लिए आपको वेरियंस को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, ठीक है. इट्स लाइक वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शुरू में, अ फोटोग्राफर क्लिकिंग फोटोज ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स. सो अगर वो इस एंगल से फोटोज ले रहा है, तो उसको ये सारे प्लेयर्स स्प्रेड आउट दिख रहे हैं, तो फोटो में भी सारे प्लेयर्स अलग अलग दिखाई देंगे. बट अगर वो दूसरी साइड, मतलब इस साइड से जाकर के फोटो ले, तो दो प्लेयर्स के बीच का गैप बहुत कम हो जा रहा है, और आपका फोटो उतना क्लियर नहीं आ रहा. तो दैट इज वाई वेरियंस इज सो इंपॉर्टेंट इन पीसीए, कि आपका पूरा का पूरा जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करोगे, वहां पे आपका एंड गोल विल बी टू मैक्सिमाइज द वेरियंस, ठीक है. सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है.